रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। इस प्रोसेस के दौरान भी उन्होंने हमें जूसेस सर्व किए ताकि आने वाले थोड़े बहुत जो भी थोड़ी देर के लिए खड़े हैं वो रिलैक्स फील करें। और फिर इस एरिया में से, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत सा एरिया बना हुआ है, इसमें से गुजरने के बाद अपने अपने बिल्डिंग्स और अपने रूम्स की तरफ लोग चले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पैसेजेस हैं, राहदारियाँ बनी हुई हैं, ग्रीनरी बहुत है, पानी के फुहारे नज़र आएंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ का। और इस एरिया में यहाँ पे सिटिंग रूम्स, बड़े बड़े सिटिंग हॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। खाने पीने का जो भी है वो तकरीबन जो है वो 24 आवर्स ही चल रहा होता है, और बहुत सारी सर्विसेज अलहदा होती हैं जिसके लिए आप यहाँ पे काफ़ी सारे उनके नुमाइंदे जो हैं बैठे होते हैं। तो इन खूबसूरत राहदारियों में से गुजरते हुए लोग जो हैं वो अपने 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 रूम्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे बफे लगा हुआ है, और लेट्स सी, जैसा कि मैंने बताया अभी हम लोग लंच के लिए आए हैं। हम यहाँ पर सी फूड ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फिश है वही हमारे लिए सूटेबल है। ये देखें, इस वक्त जो है ये सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, और हम अभी यहाँ अंदर से ही रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इन्होंने बैठने के लिए और इंजॉय करने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पूल पे सब लोग जो हैं वो कोई स्विम कर रहा है, यहाँ पे बारबेक्यू भी हो रहा है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी हम लोग जो हैं वो इस रिसोर्ट को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, चीज़ें डिफरेंट मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं सबके लिए ही। और ये बच्चों के लिए बहुत सारे एरियाज़ में से, बहुत सारे एक्टिविटी एरिया में से ये एक एरिया है। तूबा सेटिंग कर रही है अलीज़ा के लिए कि वो आए और यहाँ पे खेले। अदनान जो है, थैंक यू अदनान। थैंक यू। ये कोको कैफे से हम जो है इस वक्त कॉफ़ी पी रहे हैं, ये लोग सब इंजॉय कर रहे हैं कोको कैफे की कॉफ़ी। डिनर स्टार्ट हो चुका है और लोग डिनर एंजॉय कर रहे हैं। बाय द पूल यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, और यहाँ की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये तकरीबन रोज़ाना ही सेटिंग चेंज कर देते थे, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि सुबह और शाम की सेटिंग चेंज हो जाती थी। ये वही जगह है जहाँ पर शाम को हम वॉक कर रहे थे और रात को यहाँ पे डिनर लग गया हुआ था।
तो बहुत ही अच्छी बात लगती है कि एक जगह को मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन चेंज कर देते हैं, सेटिंग चेंज कर देते हैं। जैसे ये शाम को बच्चे जो है यहाँ पर ही खेल रहे थे और अब ये दूसरे स्टाइल की सेटिंग हो चुकी है। Smiling on that time, yeah. Out of her chair and then your shoulder and then be with you. She's really friendly. Yeah, she's really sweet. Oh, okay. Oh. All right. Have fun. Bye, guys. ज़्यादा खुश हो रही है यहीं पे। वो देखो अलीजा, लुक एट हियर। अलीजा को बहुत फन लग रहा है पानी में, बहुत मजा आ रहा है अलीजा को। यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी थी कि डे केयर की सहूलत भी मैसर थी, जहाँ पर आप अपने बच्चे छोड़ कर जा सकते थे, आप खुद भी घूम फिर सकते थे और डे केयर का स्टाफ जो है वो बच्चों को घुमाता फिराता भी था और रेस्टोरेंट्स लेकर भी जाना, तमाम सहूलतें यहाँ पर मौजूद थी और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते रहते थे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर भी। वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।